नमस्कार, तो मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द व्हील ड्राइवर। तो आज आपके सामने है अभिषेक रोशन एंड विद द पंच, क्योंकि पंच बहुत ट्रेंडिंग चल रही है और इतनी अच्छी गाड़ी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, कम दाम में हर एक चीज़ मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं इस पंच के साथ ही, पंच में आपको देखने के लिए क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ी है। लेकिन जो भी इसके ओनर होने वाले हैं, अगर आपके तक वीडियो जा रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कौन सी गाड़ी है, डुअल टोन में पंच 1.2 लीटर क्रिएटिव मैनुअल ट्रांसमिशन डाल्टनगंज। अगर आपके तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप इसको जरूर देखिएगा। आप एक्सेस क्रोम लगवा लिए, आप जो भी हैं आप एक्सेस क्रोम लगवा लिए, थोड़ा ये सब क्रोम वगैरह पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा गाड़ी अजीब सा लगने लगता है एक्सेस क्रोम लगाने के बाद, मानता हूँ कि हो सकता है आपका चॉइस होगा, पर्सनल चॉइसेस के ऊपर है, लेकिन एक्सेस क्रोम है, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। फीचर्स के साथ बात करें तो फीचर्स तो आपको सब मिलता है जो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलता है या हैरियर में मिलता है कह सकते हैं। सनरूफ के अलावा, सनरूफ नहीं है तो सनरूफ के अलावा हर एक फीचर आपको इसमें मिलता है। फ्रंट में आपको यहाँ पर आप DRLs भी मिलते हैं जो LED रहते हैं कम्प्लीटली, जिसे आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्लिकर कर रहे होंगे वो कैमरा लाइट के चलते वगैरह हो रहा है, फ्लिकर कर रहे हैं, वो LED लाइट है कम्प्लीटली। आपको एक चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर आपको इसके इंडिकेटर दिए जाते हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप के। नीचे में आपको प्रोजेक्टर लाइट दिया जाता है जो रात में विजन काफ़ी अच्छा रहता है। जो आपको हैलोजन दिया जाता है हल्का सा, अगर LED कर दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि हैरियर कंपैरिजन में आ जाता है। और लुक वाइज भी अगर देखें तो हैरियर से कहीं कम नहीं है, छोटा हैरियर इसको कह सकते हैं आप। है फ्रंट से बम्फर ग्रिल वगैरह काफ़ी बड़ा बड़ा दिया गया है, नीचे फॉगलेट्स मिलते हैं, कॉन्ट्री फंक्शन। साइड प्रोफाइल अगर आप देखें तो साइड में आपको 16 इंचेस के अलॉयज दिए जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। डुअल टोन कलर है, डुअल टोन हमेशा से ऑल इन वन कलर कहा जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक का डुअल टोन बहुत खतरनाक लगता है देखने के लिए। इसका और भी डुअल टोन आता है ऑरेंज व्हाइट टाइप का, वो बहुत बेकार लगता है देखने में। गाड़ी का एक कलर जो है व्हाइट एंड ब्लैक डुअल टोन बहुत खतरनाक लगता है। और ये नीचे जो पैडिंग दिया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑफ रोडिंग गाड़ी है, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पैडिंग दिया गया है जो ब्लैक फिनिश में है, वो आपको कम्प्लीटली मैट टाइप का रहता है, क्योंकि ये पेंट नहीं है। ये दूसरा चीज दिया जाता है जो नीचे में स्किड प्लेट टाइप का रहता है, उस टाइप का दिया जाता है, ताकि आप ऑफ रोडिंग वगैरह में भी लेकर जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कीचड़ वगैरह लगेगा अभी तो। स्क्रैच रेजिस्टेंस है। अब इस गाड़ी में हम लोग रेयर प्रोफाइल में देखें तो कुछ इस टाइप का कुछ मिलता है। यहाँ भी आप क्रोम लगवा दिए हैं, यहाँ भी क्रोम, यहाँ भी क्रोम। इसमें उनको लगता है क्रोम नहीं मिला, नहीं तो इसमें भी वो क्रोम वाला लगवा देते। ये मुझे लगता है कि कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए क्रोम नहीं लगवाया उन लोग ने। नीचे भी क्रोम, पीछे भी क्रोम, यहाँ भी क्रोम, क्रोम से मतलब गाड़ी को भर दिए हैं पूरा। यहाँ पर आप पंच की बैजिंग मिलती है क्रोम में ही, यहाँ पर टाटा की बैजिंग मिलती है क्रोम में ही। और इस जगह आप देख सकते हैं आपको कैमरा मिलता है। बूट स्पेस के साथ बात करें, 336 लीटर का बूट स्पेस। और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज है कि आप टॉप मॉडल लीजिए या बेस्ट मॉडल, आपको यहाँ पर LED नंबर रीडिंग लैंप्स मिलते हैं। गाड़ी एक तरह से कहा जाए टाटा की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव, रतन टाटा हमेशा अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि गाड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं। और जैसा कि नैनो उन्होंने लॉन्च किया था मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कार एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो अल्टो से भी सस्ती थी। आज के डेट में जो बाइक की प्राइस होती है, मुझे लगता है पल्सर वगैरह जो बाइक 1.5-2 लाख के बीच में, उस प्राइस में पहले आपको नैनो मिल जाया करती थी। उसी हिसाब से अभी उन्होंने ले आया है एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को तोड़ने वाला, जो मिडिल क्लास फैमिली एफोर्ड कर सके और अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सके, उस टाइप का एक कार जो है टाटा पंच। इंटीरियर वाइज अगर हम लोग चले तो इंटीरियर समय भी आपको यहाँ रिक्वेस्ट से मिलता है। इंटीरियर भी आप देख सकते हैं क्लासी सोवर, ज़्यादा फैंसी नहीं, सब चीज़ के साथ आपको मिलता है। ये वाइट कलर दिया जाता है जो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे जगह पर वाइट वगैरह नहीं चल पाता है बहुत दिन तक, सभी बंदर लोग हैं। यहाँ से आपको पावर बटन मिलेगा और आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार देख लीजिए। इतना अच्छा से रिफाइंड एकदम सोच समझ के खुलता है, ऑन होता है, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आप अगर हैरियर वगैरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो कुछ इसी टाइप का मिलता है। बूट इसका ओपन हो गया, हालांकि काफी मजबूत गाड़ी, जोर से बंद करना पड़ता है, पटकना पड़ता है तब जाके बंद होता है। सभी फंक्शन यहाँ पर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, इस जगह आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा 7 इंचेस का, एप्पल कारपेल, एंड्रॉयड ऑटो भी आपको मिलता है जो वायर्ड प्रोजेक्शन के साथ करता है। वो तो हैरियर वगैरह भी आप ले लीजिए, 10.5 इंच का स्क्रीन लेकर तब भी आपको कोई फर्क नहीं मिलना है, वही चीज मिलेगा। एसी वेंट्स वगैरह हो गए, ग्लव बॉक्स वगैरह हो गया। यहाँ पर सबसे बेकार चीज क्या रहता है, ये देख सकते हैं क्वालिटी ठीक है, अब जो भी है कम दाम है, लेकिन फिर भी 10 लाख थोड़ा कम नहीं होता है, तो ये चीज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का चीज दिया जाता है। आपको दो मोड्स भी इसमें मिलेंगे, इको
और सिटी मोड। इको में आपको थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा और सिटी मोड में आप चलिएगा तो एक दो का माइलेज पड़ता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंजन भी काफ़ी अच्छा है, 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो 84 BHP का पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गाड़ी और कुल मिलाकर अच्छा है, पीछे सेंसर्स वगैरह सब चीज़ दिए गए हैं। और आपको अगर ये गाड़ी लेना है तो 10.5 लाख में आपके घर पहुंच जाएगी गाड़ी। और डुअल टोन है हालांकि, तो 11 लाख में भी टच कर जाए, रूफ रेल वगैरह सब चीज़ दिया जाता है इसमें, जितना फंक्शन डाल दिया जा सकता था टाटा के दिमाग में तो सब हो गया। बस मैनुअल ट्रांसमिशन है, यहाँ पर ऑटोमेटिक बहुत लोग नहीं लिया करते हैं, ऑटोमेटिक का ट्रेंड अभी तक नहीं पहुँच पाया हमारे शहर में, तो ऑटोमेटिक का ट्रेंड आएगा तो जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 10.5-11 लाख के लगभग में आप अपने घर ले जा सकते हैं। आपको कोई भी कंसर्न होगा, कोई भी डाउट होगा, आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको गाड़ी जल्द से जल्द अवेलेबल करके मिल जाएगा। यही गाड़ी नहीं, कोई भी गाड़ी से रिलेटेड डाउट होगा आप कॉल कीजिए, आपको हर एक क्लैरिटी आपके डोर स्टेप तक मिलेगा। और आपको अगर टेस्ट ड्राइव वगैरह भी चाहिए तो सब चीज़ आपको अवेलेबल करके मिल जाएगा। यही तो ऑल अबाउट टाटा पंच क्रिएटिव 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन डुअल टोन। ऑल पॉजिटिव निगेटिव्स का वीडियो आपको स्पेशली बन के मिल जाएगा एक दो दिन के अंदर में, तब देख सकते हैं पंच में क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.